हेलो दोस्तों, तो देखिए आज ये मेरा छोटा सा जो है मिनिएचर गार्डन मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कितने सारे प्लांट्स एक छोटे से गमले में मैंने अरेंज किया है। और मेरे पास जो है छोटे छोटे मिनिएचर वाले जो गार्डन डेकोरेशन के कुछ सामान नहीं थे, तो मैंने जो मेरे बच्चे के जो खिलौने पड़े थे तो मैंने उन्हीं से मैंने ये छोटा सा गार्डन मैंने तैयार किया है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगता है कमेंट के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, ये एक इतना छोटा सा गमला है और कितने सारे प्लांट्स जो हैं यहाँ एक साथ जो है लगे हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये एक सकुलेंट प्लांट है जो बिल्कुल कमल की तरह जो है ये दिख रहा है। और ये भी कैक्टस प्लांट है जो हमारे प्लांट में जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल के आते हैं ना, तो मैंने उन्हीं को जो है यहाँ लगाया है। और कुछ बैम्बू स्टिक से मैंने यहाँ कुछ हैज बनाया है। और जो हमारे पास वो रास्ते के सामने जो ये ग्रेवल्स मिलते हैं ना, तो यहाँ से मैंने एक ये रास्ता जैसा यहाँ पे एक लुक्स दिया है। और यहाँ एक गाय है जो कृष्ण भगवान के बिल्कुल नज़दीक जो है आके रुका है। और कृष्ण भगवान का ये जो है सबसे प्यारा जो है एक एनिमल है ऐसा माना जाता है गाय, तो मैंने इनको इनके नज़दीक रखा है इनके साथ खेलते हुए। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं ये कोलियस है, और कोलियस भी अगर आप पिंचिंग करते रहें तो काफ़ी हद तक जो है इनकी हाइट जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैं इनके स्टेम दिखा दूँ, देखिए इनके स्टेम जो है बहुत ही मोटे हैं और पत्तों के साइज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये करीब करीब मेरा 6 महीना पुराना ये गमला है। तो नॉर्मली हम जब प्लांट्स बड़े गमलों में लगाते हैं तो 6 महीनों में कोलियस जो है बहुत ही हाइट की जो है हो जाती है। तो इनका एक सिंपल सा तरीका है इनको छोटा रखने का, हम इनकी पिंचिंग करते रहें तो ये बहुत ही छोटे रहते हैं और ज़्यादा नहीं फैलते हैं। तो इसी तरह से हैं हम जो है ये छोटा एक गार्डन बना सकते हैं। और यहाँ पीछे देख सकते हैं मैंने जो है स्पाइडर प्लांट्स के जो है बेबी प्लांट्स मैंने लगाए थे, तो ये तो जो है अपनी इन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है और मैंने इनको अभी तक रखा है क्योंकि इन्होंने जो है इतना जगह जो है कवर नहीं किया है। तो मैं यहाँ से दिखा दूँ, देखिए। और बीच बीच में मैंने कुछ फर्न्स भी मैंने लगाए थे। तो ये सारा गमला जो है पूरा अभी सेट हो चुका है, अभी मैंने नया नया नहीं बनाया है, इनके रूट्स भी काफ़ी फैल चुके हैं क्योंकि ये 6 महीना पुराना मेरा ये कंटेनर है। तो आप देखिए यहाँ मैंने साइड में से कुछ मिनिएचर फर्न लगाए थे, जो बेबी प्लांट्स जो निकल के आते हैं ना हमारे गमलों में उन्हीं को मैंने लगाया था। और दो टाइप्स के जो है कोलियस मैंने लगाए हैं, ये अलग वाले हैं और ये दूसरे वाले। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 वैरायटी के प्लांट्स आप एक ही गमले में लगा सकते हैं। और ये गमला इतना बड़ा नहीं है, मैं हाथ से भी आपको दिखा दूँ, देखिए इतना ही है ये गमला। और इतने छोटे गमलों में आप देख सकते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी आप यूज़ करें, चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करें। तो ये भी मेरी जो है पहली कोशिश थी। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर शेयर करें। तो यही दिखाते हुए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों।